मेरा जन्म जो गांव राजपुर भाइया डिस्ट्रिक्ट हशियारपुर 12 मार्च 1944 आर्म जिमीदार का मैं बेटा हूँ। रोजमर्रा का जिमीदार का काम करते करते बचपन में मैंने हाई स्कूल पांचटा रोड स्कूल जो पब्लिक स्कूल था वहाँ पर किया। उसके बाद मैं इंजीनियरिंग कॉलेज पॉलिटेक्निक फरवाड़ा गया। फरवाड़ा पर मैंने 2 साल का सिविल इंजीनियरिंग का डिप्लोमा करने के बाद एकदम मैं DGVR डिपार्टमेंट 2 नवंबर 1965 को ज्वाइन किया। वहाँ पर मैंने 3 साल हिंदुस्तान तिब्बत रोड पर काम करने के बाद ITBP में मैंने 2 नवंबर 1965 में मेरी सिलेक्शन की। मैंने जो है माउंटेनियरिंग स्पेशलाइजेशन कोर्सेज इंजिंग नॉर्गे जो दुनिया का सबसे फर्स्ट एवरेस्ट था उसके अंडर HMI राजीन में ट्रेनिंग की। इस प्रकार एडवांस करने के बाद मेरे ग्रेडिंग बहुत अच्छे होने के बाद मेरी सिलेक्शन हो गई फॉरन कंट्री के। उससे मैं गोल्ड मेडल लिया 1972 में। उसके बाद जब मैं वापस आया तो मेरे जो एक्सपीडिशंस पहली एक्सपीडिशन ITBP की और वो 1970 में रही कसूल क्लाइम किया। 1973 में ससर कांगड़ी 1 जो कि अनक्लाइम्ड पीक थी वो मैं 1973 में क्लाइम की। इससे अलावा मैंने ग्रेट हिमालय दे विच टूनी पीक भागीरथी पीक नंदा देवी और पंचासूली रेंज दे विच हाईएस्ट पीक जो अनक्लाइम पीक सी वो क्लाइम की और नीलकंठ क्लाइम की। इसके बाद साथ में जो मेरा 15-20 साल का क्लाइंबिंग लेह लद्दाख में भी रहा 3 पीक वहाँ क्लाइम की, माना पीक भी क्लाइम की थी। और इसमें कोई शक नहीं कि उस टाइम मेरी एज तकरीबन 52 ईयर एज थी। रिटायरमेंट भी जो मेरी लाइफ है वो मेरी ITBP के साथ में अटैचमेंट कई तरीक़ों से एडवाइजर के तौर पर भी मेरे को ऑफर मिला। लेकिन मैं आज भी जब मेरे को ITBP क्या सिविल पुलिस और पंजाब पुलिस हरियाणा पुलिस के पर जाकर मैं प्रेजेंटेशन देता हूँ और जो कैम्बटाइज ट्रेनिंग है और उसकी एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए मैं लेक्चर लेता हूँ और उनको इनकरेजमेंट इस हिसाब से देता हूँ कि वो अपनी लाइफ में अचीवमेंट और हार्ड वर्क करके अपने देश के लिए एक नई नई उपलब्धियाँ हासिल करें। मैं ओली में जो क्लोजिंग सेरेमनी थी उसके लिए चीफ गेस्ट मुझे बुलाया गया और जो नए नए टेक्निक आती है और मैं USA में भी जाता हूँ प्रेजेंटेशन देने के लिए और जो वहाँ से मेरे को नॉलेज मिलती है वो नॉलेज मैं आप इंडिया में आके अपने महकमे में ट्रेनिंग सेंटर में जाता हूँ और अकेडमी में मैं जाता हूँ। ये मेरा जो सिलसिला है ये मेरा कंटिन्यू है 15 साल से क्योंकि मैं 2001 में रिटायर हुआ। मेरा बचपन जो था वो एक जिमीदार के घर में हुआ। उस बचपन में हमारी फैमिली में कोई भी माउंटेनियर नहीं बना, ना ही कभी ऊंचे ऊंचे पहाड़ों में गया। मेरी मैरिज जो है वो दमन कौर मेरी वाइफ के साथ हुई। वाइफ एक्चुअली टीचर थी बाय प्रोफेशन, वो प्रोफेशन में रहे और जब भी हम माउंटेन में जाते थे तो वो हमारे साथ ज्वाइन कर लेती थी। आ,
हमारे बच्चे जो हैं दो लड़के वो वैनकूवर में सेटल्ड हैं और हम यूएसए में भी रहते हैं, सिटीजनशिप है, और ज़्यादातर हम अपने इंडिया में रहते हैं अपने घर में। जहाँ तक एवरेस्ट क्लाइम का सवाल है, मेरा लीडर टीम का इंटरनेशनल एवरेस्ट एक्सपीडिशन का लीडर की सिलेक्शन होने के तुरंत बाद एक्टिविटीज शुरू की गई और इंटरनेशनली वर्ल्ड में इंटीमेट किया कंसर्न माउंटेनियरिंग एसोसिएशन को कि लीडर महेंद्र सिंह जो है वो सिलेक्ट किया जा रहा है। टाइम तो साड़ी एक्टिविटी सिलेक्शन ऑफ मेंबर्स की शुरू हो गई और प्रोक्योरमेंट की। पूरे कंट्री में यूरोपियन कंट्री में बताने का मकसद ये था कि हमने प्रोक्योरमेंट डॉक्यूमेंट की करनी थी और जितना टाइम तक लीडर डिक्लेयर नहीं होता कोई भी नेशन करती उतना टाइम आगे का रहे। सेलेक्ट करते करते मेंबरों को ओली इस जगह पर जो कि ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है प्री ट्रेनिंग के लिए भेजा गया विंटर के लिए और मैंने अपना हेडक्वार्टर एक्सपीडिशन का दिल्ली ऑस्ट्रेलिया किया। उसी के बाद सफर उसके बाद हमने फ्रेंडशिप ब्रिज जो कि नेपाल और चाइना को तिब्बत को मिलाता है वहाँ पर हमारा ट्रांसशिपमेंट हुआ पूरा स्टोर्स का और गाड़ियाँ जो है ऑल अलॉन्ग तिब्बत क्रॉस कंट्री पहुँच के हम लोगों ने बेस कैंप एस्टैब्लिश किया। इसके बीच हमने वीजा का अरेंजमेंट किया नेपाल बॉर्डर पर और चाइनीज ऑफिशियल से उन्होंने हमें पूरी पार्टी को रिसीव किया। इसके बाद बेस कैंप स्टेब्लिश किया गया 17,200 फीट पर कैंप नंबर 2, 3 और जो 3 कैंप था वो 23,100 फुट पर किया गया। उसके साथ साथ वो हमारा एक लंचिंग पैड सेंटर भी बनाया गया। उसके बाद कैंप नंबर 4, 5 और असाल्ट कैंप 6 स्टेबलिश किया गया 7,300 फीट पर मीटर पर रादर। इन बीट में सारे कैंपों की एक्टिविटी शुरू होती रही और सब अदर फॉरेन एक्सपीडिशन के साथ में लाइजन रखा गया और जितने भी इंटरनेशनल लीडर थे उनके बीच में कोऑर्डिनेशन इंटरेक्शंस टेक्निकल ऑन ऑफ सभी प्रपोजल्स हम लोग बनाते रहे। हमारी उस साल की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी टीम की और बड़े इंटरनेशनल माउंटेनियर उसमें मौजूद थे जैसे कि समझना। इस दौरान हमारे डेली जो एक्टिविटी रही वो इक्विपमेंट को राशन को और टेंट्स को आगे आगे स्टर्च करते करते स्टोर करते रहे टेंट ऑक्सीजन सिलेंडर। इसी ढंग से हमें तकरीबन 3 हफ्ते लग गए मिनिमम जो लंचिंग पैड स्टेब्लिश करना था और टोटल जो 6 कैंप लगाया गया उसमें हमें 37 दिन लगे। असाल्ट पार्टी जब हमने सिलेक्शन करनी थी उस टाइम ये होता है कि कोई आदमी इंजर्ड हो गया, कोई ऑक्सीजन की कमी की वजह करके वीक हो गया, जहाँ कई और लूज वेट करने लग गए तो हमारे साथ में मेडिकल डॉक्टर रहता है। इसी ढंग से ही
हमारे पास वायरलेस इक्विपमेंट और इंटरनेट और फोटोग्राफी, वीडियो फोटोग्राफ, ये इस सब चीज़ों में हमारे आदमी पहले से ही ट्रेड किए जाते हैं। जब हमने फाइनल रिजल्ट मेरी टीम सेलेक्ट की, 7 मेंबर की और मेरे डिप्टी लीडर रजिंदर सिंह के साथ, लास्ट कैंप जो है इस्टेब्लिश किया और टीम को वहाँ प्लेस किया था। इस दौरान हम और एक्सपीडिशन को मदद भी करते रहे, क्योंकि हमारी एक्सपीडिशन काफ़ी बड़ी थी और वेल ऑफ थे इक्विपमेंट वाइज और राशन वाइज भी, और सब प्लेटफॉर्म वगैरह काफ़ी थे, ऑक्सीजन थी। तो छोटी छोटी एक्सपीडिशन जैसे कि जापानी एक्सपीडिशन थी, जैसे ही हमने फाइनल साल पार्टी सेलेक्ट की, उनको प्रोग्राम के मुताबिक हमने लास्ट 6 कैंप में सेटअप कर दिया और वहाँ पर रात को हमारे पास वॉकी टॉकी सेट से कन्फर्म हो गया कि दे आर हेल एंड हेड। नेक्स्ट डे मॉर्निंग उन्होंने 3:30 पर चलना था, लेकिन वो चले थोड़ा लेट 5 बजे। जब वो डेथ जोन एरिया पहुँचे, जिसको स्टेप 1 और स्टेप 2 बोलते हैं, स्टेप 1 पर जब पहुँचे तो पहले 3 आदमी जो थे वो आगे चले गए और 4 आदमी पीछे रह गए डिप्टी लीडर हरभजन सिंह के साथ। जैसे ही स्टेप 2 क्रॉस कर गए तो कम्युनिकेशन स्टेब्लिश हुआ, तो मेजर को खबर मिली कि डिप्टी लीडर ने बोला कि वी आर नॉट एबल टू गो अहेड फ्रॉम स्टेप 1, तो हम रिट्रीट कर रहे हैं। तो मैंने जो 3 आदमी थे उनमें से जो इंचार्ज बन गया सुमंदा था, जो एक्सपीरियंस्ड क्लाइंबर था, उसने मेरे को इंटीमेट किया कि हम लोग काफ़ी फिजिकली फिट हैं, टफ हैं, तो यार है कि हम अभी इतने नज़दीक पहुंच रहे हैं और हमें श्योर है कि मौसम भी इजाज़त देता कि हम क्लाइंब करें। ये लोग चढ़ते गए 3:30 बजे, जब देखा ये स्टेप नंबर 2 और 28,000 के भी ऊपर चले गए हैं, तो ऐसा लगता था, वो बहुत श्योर था कि जब 28,500 पर पहुँचे, उस टाइम शाम के कोई 3:30 बज चुके थे। वॉकी टॉकी के ऊपर समल्ला के साथ में मेरी बिल्कुल डिस्कशन हुई, रादर जिस डिसीजन पर हम लोग पहुँचे कि आप लोग अब क्लाइंब करना ही आज ज़रूरी है, क्योंकि पूरा दिन जो है वो हमारा वेस्ट हो गया। और उसके बाद जब उन्होंने मुझे बिल्कुल यकीन दिलाया कि हम फाइटिंग फिट हैं, तो हमने अलाउ कर दिया। तकरीबन 6:45 बजे उनका सडनली कम्युनिकेशन मिल गया, और जैसे ही मिला, हम समल्ला करते करते डिप्टी लीडर लीडर करते करते वो कट ऑफ। थोड़ी देर बाद तकरीबन 6 बजे थे, फिर एक कम्युनिकेशन आया कि हम जो है एवरेस्ट टॉप से जिसकी हाइट 29,028 फीट है, उससे बिल्कुल हम टॉप पर पहुंचे हुए हैं। और इसमें कोई शक नहीं कि हवा बहुत तेज़ चल रही थी, थोड़ा सा फॉगी एरिया था, विजिबिलिटी ऑलमोस्ट निल थी, लेकिन और मैंने उनसे कंफर्म किया कि आपको कोई फ्लैग जहां नज़र आया, उसने बोला कि साहब ये जो डिवाइस है मेटल डिवाइस है, ये मेरे पास जहां नज़र आई है, और खत्तक जहां पर फ्लैग हैं, खत्तक का मतलब ये है कि जो लामा के बुद्धिस्ट के फ्लैग्स होते हैं, जो सरोपा जिसको बोलते हैं, उनको खत्तक बोलते हैं, कहता कि जहां खत्तक लगे हुए हैं। और मैं जो है इस वेले जो साथ में सोनम है पलजौर, वो जो है वो खत्तक लगा रहा है और मैंने लगा दिए हैं और मैंने पूजा की है, और मैं अभी वापस हम आने की तैयारी कर रहे हैं। उसी टाइम हमने बोला वेल डन बॉय, यू हैव रेज द प्राउड ऑफ द नेशन
इसी बेस पर उसी टाइम हमने कम्युनिकेशन जो है स्टडीज किया बेस पर दिल्ली पर, और वो खबर जो है उस टाइम फ्लैश कर दी। इसी तरीके से सभी एक्सपीडिशंस के जितने भी पार्टी थे उसमें एक बहुत एंजॉयमेंट का, बहुत बड़ी अचीवमेंट का माहौल पैदा हो गया, क्योंकि ये उस सीजन का फर्स्ट टाइम क्लाइम था वहाँ पर, और पूरा बंदोबस्त जो किया हुआ था, इंडिया ने मदद की थी, उसका एक रिजल्ट सबसे सामने आ रहा था। दैट वाज द गोल्डन एंड हिस्टोरिकल अचीवमेंट। हमें वापस आने का खबर मिली तो हमने इंडिया और चाइना गवर्नमेंट को, सभी को रिले कर दिया, तो हम सारे बड़े खुश। लेकिन जब वापस आ रहे थे, अंधेरा हो गया, तो उनका कम्युनिकेशन बाद में बिल्कुल ही नहीं हुआ। लेकिन जब रात के 8 बज गए 9 बज गए, बीच में कुछ लाइटें हमें नज़र आई, और उन देखते देखते वो लाइटें जो है दो नज़र आई, फिर एक आई थोड़ी देर के बाद, 15 मिनट के बाद वो वैनिश हो गई, वो जो लाइटें हमें नहीं नज़र आई। लेकिन उस टाइम कम्युनिकेशन कोई नहीं हो सका, तो हम यही उम्मीद रखते थे, हम वही जो मूवमेंट थे वही, मैं दिल्ली जो हमारा एडवाइज़र था आईटीबी का मिस्टर एमएस कोहली, उसके साथ में मेरा लिंक बना हुआ था। रात के 11 बज गए, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। हम हर एक एक्सपीडिशन के लीडर, जापानीज के लीडर के पास हमने पूरा प्लान बनाया कि सुबह जब जाएंगे वो लोग अटेम्प्ट करने, वो हमारे आदमी को भी साथ ले जाएंगे जो शे कैंप में है, और वो उनको रास्ते में जो नहीं आते हैं तो उनको पूरी हेल्प करना। और 11 तारीख सवेरे की बात है, इन्होंने 10 तारीख को, और 11 तारीख सवेरे जो प्लान के मुताबिक था, जापानीज एक्सपीडिशन गए वहाँ पर, और उन्होंने वहाँ जाके देखा कि वो आदमी अनकॉन्शियस हैं और थोड़ा सा शिवरिंग कर रहे हैं। दो आदमी उन्होंने मिले, एक थोड़ा सा नीचे और दूसरा 50 मीटर ऊपर, लेकिन वो थोड़ा इनके ट्रैक से थोड़ा डिस्टेंस पर थे, इस करके वो उनके पास पहुंच नहीं पाए। और वो इस हालत में उन्होंने हमें बताया कि हमने उनको पानी पिलाया है, चाय पिलाई है, बट दे कुड नॉट डू एनीवे, दे कंटिन्यू फॉरवर्ड, दे क्लाइम्ड पीक, दे केम बैक, इवन देन दे कुड ओनली फाइंड वन पर्सन, बाकी दो थे वो आई थिंक वो बाएं और दाएं कहीं भी क्रेवासेस में रोल डाउन हो गए, दे डिसलोकेट देयर पोजीशन। एक आदमी ने देखा और वो आदमी जो था उन्होंने बोला कि हम पहचान नहीं पाए, उनको बाईपास करके नीचे आए। लेकिन जहाँ सभी एक्सपीडिशन लीडरों ने ये महसूस किया कि दिस इज अगेंस्ट द माउंटेन एथिक्स, सबको अफसोस जार हो गया, सब सन सन्नाटा छा गया, कोई आदमी बातचीत नहीं कर रहा था। लेकिन नेक्स्ट डे हरभजन सिंह और तीन आदमी के जब साथ आए, उनको कैंप से वहाँ से लेकर एस्कॉर्ट करके, बल्कि एस्कॉर्ट नहीं हेल्प करके नीचे लेकर आए, एवैक्यूएट करके, जब वो हमारे एडवांस बेस कैंप पर पहुँचे, वो फुली टायर्ड थे, थक चुके थे, एग्जॉस्ट हो चुके थे, और हरभजन सिंह जो मेरा डिप्टी लीडर था वो चल भी नहीं पा रहा था, वो एकदम रिलैक्स हो गया, डिसलोकेशन हो गई, डिस्टर्ब हो गई, मेंटली और फिजिकली कलेप्स हो गई। तो लीडर के लिए एक प्रॉब्लम होती है जो कि अक्सर लीडर तभी बनाया जाता है कि जब वो इन प्रॉब्लम को, सिचुएशन को फेस कर सके। मैंने मीटिंग की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, अपने DGITB से चाहा कि क्या करना चाहिए, हमने आदमी से सलाह मशवरा किया, हमने एक डिसीजन ले लिया कि भाई पूरी उम्र का, पूरी इतने साल लगे हैं, 25 साल लगे थे हमारे को चाइना साइड से तैयार करते करते, एक्सपीरियंस था फॉरेन कंट्री में ट्रेनिंग की और अनक्लाइम पीक्स क्लाइम की, इसकी जो एक्सपीरियंस है इसको बर्बाद ना किया। हमें कहा कि वर्ल्ड के अंदर अभी ऐसा कोई भी नहीं हुआ, कोई भी लीडर ऐसा डिसीजन नहीं ले सका कि किसी का कोई डेथ एक्सीडेंट हो गया हो, जहाँ एक्सपायर्ड हो गया, जहाँ इंजर्ड हो गया और बाद में लेटर में डेथ हुई है,
और सरेंडर करना है वो कंट्री को सरेंडर करना, तो कंट्री को डिफीट एक्सेप्ट करना ये एक बड़ा प्रेस्टी इशू बन गया था मेरे लिए। तो क्योंकि ये जो टीम होती है माउंटेन एक्सपीडिशन की, इनके बीच में खाना पीना रिलेशन और ब्लड, जैसे कहते हैं कि ब्लड रिलेशन टाइप होते हैं, एक दूसरे के लिए जान देते हैं, लेकिन जहाँ नेशन की बात आती है सब में एक किस्म का जज्बा पैदा होता है। वो जज्बा जो पैदा किया मोटिवेशन के दौरान, और इस का रिजल्ट ये निकला कि हमने 5 आदमी जो कि फिट पाए गए, वॉलंटरी पाए गए, गॉड ने परमिट किया तो क्लाइम करना नहीं है तो लास्ट टाइम में रहा था, उन्होंने अपना फैसला जो दिया वो मेरे हक में दिया। तो मैंने अनाउंसमेंट किया कि हम सेकंड अटेम्प्ट जो है वो 17 मई 1996 में करें। अब तक हमारे 3 आदमी की डेथ हो गई थी जिनका नाम है समलना, दौजे और पुलजो। ये आदमी हमारे सारे जहन में लगे हुए थे, लेकिन हमने ये डिसीजन गवर्नमेंट को भी बताया कि इन्होंने अपना सेक्रीफाइस किया है जान, लेकिन इनको क्रेडिट देते हुए हमारे को ये महसूस ना हुए हम इनकी जो क्लाइंट दोबारा अटैम्प्ट कर रहे हैं वो हमने इनके नाम पर कर, नेशन के नाम पर कर रहे हैं। अब सवाल ये होता है कि नेशन की डिग्निटी, तो इस हिसाब से हमने 17 मई 1996 को प्लान किया कि क्लाइंट करें। हमने 5 आदमी और सेलेक्ट किए, वैले को भी किया, और 16 मई को हमने लास्ट कैंप असाल्ट में सेट कर दिया और उन्होंने वहां को वही कैंप। प्रोग्राम के मुताबिक 17 तारीख सवेरे 3 बजे कैंप से चले, मौसम बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर था, कोई हवा नहीं थी और चारों तरफ सफ़ेद सफ़ेद ही नज़र आता, और कोनिकल पीक सब जगह सराउंडिंग में नज़र आती थी। और हमने वॉकी टॉकी सेट से कम्युनिकेशन किया, हमने एनवा सेट टेलीफोनिक कम्युनिकेशन अपने इंडिया के बेस पर किया, और चाइना के साथ किया, नेपाल के साथ एम्बेसी में किया, ताकि हम ये बता सकें कि 17 तारीख को हमारी क्या एक्टिविटीज है। और वो जैसे जैसे क्लाइम करते गए ऊपर जाते रहे, हम वॉकी टॉकी सेट से उनको कन्वे करते रहे। स्टेप नंबर 1 और स्टेप नंबर 2, 28,000 की हाइट के बाद जब 28,000 की तकरीबन फीट के ऊपर क्रॉस किया, उस टाइम सांगे शर्पा ने मेरे वॉकी टॉकी ऊपर बताया कि सर हम जो है पीक के नज़दीक हैं और अभी हम आपको वॉकी टॉकी सेट बंद करते हैं और हमें पूरा विश्वास है कि हम पीक के ऊपर चढ़ के आपसे कम्युनिकेशन करें। लेकिन जब वो बिल्कुल नज़दीक पहुंचे तो वहां पर बम्प था, बम्प से साइड करते हुए फिर वो हमें नहीं नज़र आए, लेकिन जब वो हमें फिर दोबारा वॉकी टॉकी सेट जो है वो सांगे शर्पा ने खोला और उसने हमें बोला कि सर हम जो है पीक के बिल्कुल नज़दीक पहुँचे हैं और ऐसा लगता है कि 20-25 फुट है और हम 10-15 मिनट में पहुँच जाएँ। जैसे ही वो टॉप के ऊपर पहुँचे, उस टाइम टाइम था 9:55, तो उस पर उन्होंने झंडा लहराया और उसी टाइम 5 आदमी थे जो चढ़ने वाले उस पर, वो थे सांगे शर्पा जो कि टीम का लीडर था, कुशांग दौजे, हीरा राम और नादरे शर्पा, इन्होंने और ताशी राम, इन्होंने 5ों ने उस पीक के ऊपर अपना तिरंगा झंडा लहराया
और बड़ी खुशी की लहर पूरे वर्ल्ड में चल पड़ी।